हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, न्यूमेरिकल मेथड्स के पिछले वीडियो में हमने सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स ऑन गॉस एलिमिनेशन मेथड देखे है। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड मेथड यानी कि गॉस सीडल मेथड की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम उसकी प्रोसीजर और एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड। ये दोस्तों गॉस सीडल मेथड, ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की न्यूमेरिकल मेथड इस यूनिट की सेकंड मेथड है और ये इटरेटिव मेथड है। और इस मेथड का यूज़ करके हम दिए गए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मेथड की प्रोसीजर क्या है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। सपोज हमें ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया गया है। इन तीनों इक्वेशन को हम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री ये नंबरिंग दे देते हैं, इन विच द कोएफिशिएंट्स ए वन कॉमा बी टू एंड सी थ्री आर लार्ज। तो ये इक्वेशन हमें इस तरह से दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में प्रेजेंट एक्स का कोएफिशिएंट ए वन, सेकेंड इक्वेशन में प्रेजेंट वाई टू का कोएफिशिएंट बी टू और थर्ड इक्वेशन में प्रेजेंट जेड वेरिएबल का कोएफिशिएंट सी थ्री ये क्या है, लार्ज वैल्यूज है। तो अगर हमें इस तरह की सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए जाए तो बाय यूजिंग गॉस सीडल मेथड इसका सॉल्यूशन हमें किस तरह से फाइंड करना है ये हमें देखना है। तो आइए देखते हैं इसकी प्रोसीजर क्या है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है हमें, अरेंज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन लीडिंग डायगोनल फॉर्म, दैट इज इक्वेशन वन हैविंग ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इक्वेशन टू हैविंग ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड इक्वेशन थ्री हैविंग ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ जेड, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स बाय इक्वेशन वन, वाई बाय इक्वेशन टू एंड जेड बाय इक्वेशन थ्री। तो ये है फर्स्ट स्टेप। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, दिए गए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लीडिंग डायगोनल फॉर्म में पहले अरेंज करना है। यानी कि हमें इन इक्वेशंस को किस तरह से अरेंज करना है, जिस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट सबसे लार्ज है उसे हम इक्वेशन वन लिखेंगे, जिस इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट लार्ज है उसे हम इक्वेशन टू लिखेंगे और जिस इक्वेशन में जेड का कोएफिशिएंट लार्ज है उसे हम इक्वेशन थ्री लिखेंगे। इस तरह से हमें दिए गए इक्वेशंस को नंबरिंग देने हैं, यानी कि हमें उन्हें अरेंज करना होगा। और इस तरह से अरेंज करने के बाद हमें इक्वेशन वन से एक्स के लिए इक्वेशन बनाना है, फिर इक्वेशन टू से हमें वाई वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन थ्री से जेड वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाना है। इसका मतलब हमें दिए गए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लीडिंग डायगोनल फॉर्म में अरेंज करना होगा और इन तीनों इक्वेशन से हमें एक्स, वाई और जेड इन तीनों वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाना है। अब ये जो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड इन तीनों के लिए इक्वेशन बन रहे हैं, उन तीनों इक्वेशन को हम नंबरिंग दे सकते हैं इक्वेशन फोर, इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स, या फिर हम उन्हें ही इक्वेशन वन टू थ्री दे सकते हैं। तो अगर हमने इन दिए गए तीनों इक्वेशन कोई नंबरिंग नहीं दी तो एक्स, वाई और जेड के इक्वेशन को हम नंबरिंग दे सकते हैं इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री। अब ये स्टेप करने के बाद हमें सेकंड स्टेप यानी कि हमें फर्स्ट इटरेशन किस तरह से परफॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप, फॉर फर्स्ट इटरेशन पुट y इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो इन वैल्यू ऑफ x एंड गेट x इक्वल टू x1। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में क्या करना है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में x के लिए इक्वेशन बनाया है उस इक्वेशन में y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें जीरो सब्स्टिट्यूट करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, x1 की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, y1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये किस तरह से करना होगा, पुट x इक्वल टू x1 एंड z इक्वल टू 0 इन वैल्यू ऑफ y एंड गेट y इक्वल टू y1। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप में y के लिए इक्वेशन बनाया है उस इक्वेशन में हमें x की जगह पे x1 की वैल्यू और z की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा और हमें y की वैल्यू फाइंड करना होगा।
तो जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, y1 की वैल्यू हो जाएगी। अब y1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1 इन वैल्यू ऑफ z एंड गेट z इक्वल टू z1। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में z के लिए इक्वेशन बनाया है उस इक्वेशन में हमें x की जगह पे x1 की वैल्यू, y की जगह पे y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमें z की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, z1 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी फर्स्ट इटरेशन में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप। सिमिलरली द प्रोसेस कैरिड ऑन एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज वैल्यू ऑफ x, y, z टू बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द लेटेस्ट वैल्यूज ऑफ अननोन्स। तो हमें थर्ड स्टेप में यानी कि सेकंड इटरेशन परफॉर्म करते समय क्या करना है, x2 की वैल्यू कैलकुलेट करते समय जो हमने x के लिए इक्वेशन बनाया है उस इक्वेशन में y की जगह पे y1 की वैल्यू, z की जगह पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और x2 की वैल्यू फाइंड करना है। फिर y2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमने y के लिए इक्वेशन बनाया है फर्स्ट स्टेप में उस इक्वेशन में हमें x की जगह पे x2 की वैल्यू, z की जगह पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और y2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद z2 की वैल्यू कैलकुलेट करते समय जो हमने फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन बनाया है z के लिए उस इक्वेशन में हमें x की जगह पे x2 सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह पे y2 सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करके z2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसी तरह से हमें थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन और आगे के इटरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो इस तरह से हमें ये प्रोसेस करनी है गॉस सीडल मेथड में। तो ये प्रोसेस करके हमें दिए गए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। जितने इटरेशन हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं उतने इटरेशन परफॉर्म करके, तो इस तरह से हमें गॉस सीडल मेथड की प्रोसेस करनी होगी और दिए गए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो ये प्रोसेस हम एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। तो इस मेथड पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस मेथड। तो देखिए गॉस सीडल मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस बाय गॉस सीडल मेथड इन ब्रैकेट 3 इटरेशंस ओनली ब्रैकेट क्लोज। और हमें यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं 10x plus y plus 2z equal to 13, 3x plus 10y plus z equal to 14, 2x plus 3y plus 10z equal to 15। तो ये है complete question। तो देखते हैं इसका solution by using Gauss Seidel method। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, दिए गए तीनों इक्वेशंस हमें लीडिंग डायगोनल फॉर्म में अरेंज करने हैं। यानी कि हमें ये तीनों इक्वेशन लिखते समय किस तरह से लिखने हैं, तो इन तीनों इक्वेशन में हमें पहले एक्स का कोएफिशिएंट देखना होगा। जिस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट सबसे लार्ज है उसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, उसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम वाई के कोएफिशिएंट देखेंगे। जिस इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा उसे हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करेंगे और जिस इक्वेशन में झेड का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा उसे हम आखिर में लिखेंगे। तो इस तरह से हमें ये लीडिंग डायगोनल फॉर्म में अरेंज करने होंगे तीनों इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट लार्ज है, सेकंड इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट लार्ज है और थर्ड इक्वेशन में झेड का कोएफिशिएंट लार्ज है। यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन ऑलरेडी लीडिंग डायगोनल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसे लिख देंगे 10x plus y plus 2z equal to 13, नेक्स्ट लाइन में 3x plus 10y plus z equal to 14, नेक्स्ट लाइन में 2x plus 3y plus 10z equal to 15। तो इस तरह से हम ये तीनों इक्वेशन लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन से x के लिए इक्वेशन बनाना है, सेकंड इक्वेशन से y के लिए इक्वेशन बनाना है और थर्ड इक्वेशन से z के लिए इक्वेशन बनाना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यानी कि x के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म 10x को एज इट इज रखेंगे और ये आगे के दोनों टर्म हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो इधर के
बाद क्या होगा, 13 - y - 2z, फिर यक्स इक्वल टू क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल है 10, इसे हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा और हमें यक्स के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा, यक्स इक्वल टू 1/10 इंटू ब्रैकेट में 13 - y - 2z ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमें यक्स के लिए इक्वेशन बनाना है, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि y के लिए इक्वेशन। तो y के लिए इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, y इक्वल टू 1/10 इंटू ब्रैकेट 14 - 3x - z ब्रैकेट क्लोज। तो ये बनेगा इक्वेशन y के लिए जो हमने सेकंड इक्वेशन से बनाया है, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम दिए गए थर्ड इक्वेशन से z के लिए इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें z इक्वल टू क्या मिलेगा इक्वेशन, 1/10 इंटू ब्रैकेट 15 - 2x - 3y ब्रैकेट क्लोज। तो ये मिलेगा हमें z के लिए इक्वेशन, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट स्टेप करनी है, दिए गए तीनों इक्वेशन हमें लीडिंग डायगोनल फॉर्म में अरेंज करने हैं और इन तीनों इक्वेशन से हमें x, y और z के लिए इक्वेशन बनाने हैं। अब इसके बाद हमें परफॉर्म करना है फर्स्ट इटरेशन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन किस तरह से करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग फर्स्ट इटरेशन, और फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, x1, y1 और z1 इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम ये वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमने x के लिए इक्वेशन बनाया है यानी कि इक्वेशन 1, उसमें हम y और z इन दोनों की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि x1 की। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें x की वैल्यू, यानी कि हम लिखते समय यहाँ पे x1 लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू 13/10 और ये कैलकुलेशन हम कैलसी में करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1.3। तो हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू मिलेगी 1.3। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y1 की वैल्यू, तो ये वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमने y के लिए इक्वेशन बनाया है यानी कि इक्वेशन नंबर 2, उस इक्वेशन 2 में हमें x की जगह पे x1 की वैल्यू और z की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से पहले सेंटेंस लिखेंगे, पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 1.3 एंड z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो हमें x की जगह पे x1 की वैल्यू और z की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन 2 में। तो हमें यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 इक्वल टू 1/10 इंटू ब्रैकेट में 14 - 3 इंटू x की जगह पे x1 की वैल्यू यानी कि 1.3 ब्रैकेट क्लोज माइनस z की वैल्यू 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसे अगर हम कैलसी में सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1.01। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे z1 की वैल्यू, तो ये हमें किस तरह से करना है, तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में z के लिए इक्वेशन बनाया है यानी कि इक्वेशन नंबर 3, उसमें हम x की जगह पे x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पे y1 की वैल्यू और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे, पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 1.3 एंड y इक्वल टू y1 इक्वल टू 1.01 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें यहाँ पे z1 इक्वल टू मिलेगा 1/10 इंटू ब्रैकेट में 15 - 2 इंटू x की वैल्यू 1.3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू y1 की वैल्यू 1.01 ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसे अगर हम कैलसी में सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0.937। तो हमें यहाँ पे z1 की वैल्यू मिलेगी 0.937। तो इस तरह से हमें फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करना है। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सेकंड इटरेशन, तो हम नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग लिखेंगे सेकंड इटरेशन और x2, y2 और z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हेडिंग लिखने के बाद हम पहले x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हमें किस तरह से करना
करना होगा। तो जो हमने यक्स के लिए इक्वेशन बनाया है उस इक्वेशन में अब हमें वाई की जगह पे वाई वन की वैल्यू और जेड की जगह पे जेड वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो यहाँ पे हम पहले इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे, पुट वाई इक्वल टू वाई वन इक्वल टू 1.01 कॉमा जेड इक्वल टू जेड वन इक्वल टू 0.937 इन इक्वेशन नंबर वन। तो हम ये सेंटेंस लिखने के बाद वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन वन में तो हमें यहाँ पे मिलेगा यक्स टू इक्वल टू 1/10 इंटू ब्रैकेट में 13 माइनस वाई की वैल्यू यानी कि वाई वन की वैल्यू रखनी होगी यहाँ पे 1.01 माइनस टू इंटू जेड की वैल्यू यानी कि जेड वन की वैल्यू 0.937 ब्रैकेट क्लोज और इस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अब इसे हम सिंप्लीफाई करें कैलसी में तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.012। तो इस तरह से हमें यहाँ पे यक्स टू की वैल्यू मिलेगी 1.012। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वाई टू की वैल्यू। तो ये हम किस तरह से करेंगे, सेकंड इक्वेशन यानी कि वाई का जो इक्वेशन बनाया है फर्स्ट स्टेप में उस इक्वेशन में अब हम यक्स की जगह पर यक्स टू की वैल्यू और जेड की जगह पर जेड वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा, पुट यक्स इक्वल टू यक्स टू इक्वल टू 1.012 कॉमा जेड इक्वल टू जेड वन इक्वल टू 0.937 इन इक्वेशन नंबर टू। तो इस तरह से हमें सेंटेंस लिख के फिर वाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन टू में तो हमें यहाँ पे वाई टू इक्वल टू मिलेगा 1/10 इंटू ब्रैकेट में 14 माइनस 3 इंटू यक्स की वैल्यू यानी कि हमें यक्स टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी 1.012 ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड की वैल्यू यानी कि जेड वन की वैल्यू 0.937 ब्रैकेट क्लोज। और ये कैलकुलेशन अगर हम कैलसी में करें तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा 1.003। तो हमें यहाँ पे y2 की वैल्यू मिलेगी सेकंड इटरेशन में 1.003। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे z2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो हमने z के लिए इक्वेशन बनाया है फर्स्ट स्टेप में उस इक्वेशन में हम x की जगह पे x2 की वैल्यू और y की जगह पे y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे, पुट यक्स इक्वल टू यक्स टू इक्वल टू 1.012 कॉमा वाई इक्वल टू वाई टू इक्वल टू 1.003 इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो सेंटेंस लिखने के बाद हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन जेड की जगह पे हम लिखेंगे जेड टू इक्वल टू 1/10 इंटू ब्रैकेट में 15 माइनस 2 इंटू यक्स की वैल्यू यानी कि यक्स टू की वैल्यू 1.012 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू यानी कि वाई टू की वैल्यू 1.003 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें कैलसी में तो इसका आंसर हमें मिलेगा इक्वल टू 0.997। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जेड टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब इसके बाद हमें परफॉर्म करना होगा थर्ड इटरेशन यानी कि इस क्वेश्चन का आखिरी इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग थर्ड इटरेशन। तो यहाँ पे हम इस तरह से हेडिंग लिख देंगे थर्ड इटरेशन, और थर्ड इटरेशन में हमें क्या करना है, यक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम ये किस तरह से करेंगे, देखिए पहले हम यक्स थ्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हम किस तरह से करेंगे, तो जो हमने यक्स के लिए इक्वेशन बनाया है इक्वेशन वन उसमें हम वाई की जगह पर वाई टू की वैल्यू और जेड की जगह पर जेड टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम पहले इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे, पुट वाई इक्वल टू y2 इक्वल टू 1.003 कॉमा जेड इक्वल टू जेड टू इक्वल टू 0.997 इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में हमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि हम लिखते समय x3 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे x3 इक्वल टू मिलेगा 1/10 टू ब्रैकेट में 13 माइनस y की वैल्यू यानी कि y2 की वैल्यू लिखनी होगी 1.003। फिर आगे ये माइनस है,
टू इंटू जेड की वैल्यू यानी कि जेड टू की वैल्यू 0.997 ब्रैकेट क्लोज, और ये कैलकुलेशन अगर हम करें तो इसका आंसर मिलेगा इक्वल टू 1.0003। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक्स थ्री की वैल्यू मिलेगी 1.0003। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वाई थ्री की वैल्यू। तो हम ये किस तरह से करेंगे, तो जो y के लिए इक्वेशन बनाया है इक्वेशन टू, उसमें हम x की जगह पे x3 की वैल्यू और z की जगह पे z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, पुट x इक्वल टू x3 इक्वल टू 1.0003 कॉमा z इक्वल टू z2 इक्वल टू 0.997 इन इक्वेशन नंबर टू। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, y इक्वल टू, यानी कि हम लिखते समय y3 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे y3 इक्वल टू मिलेगा 1/10 इंटू ब्रैकेट में 14 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू यानी कि x3 की वैल्यू 1.0003 ब्रैकेट क्लोज माइनस z की वैल्यू यानी कि z2 की वैल्यू 0.997 ब्रैकेट क्लोज। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें कैलसी में तो आंसर हमें मिलेगा इक्वल टू 1.0002। तो हमें यहाँ पे y3 की वैल्यू मिलेगी 1.0002। तो ये हो गई y3 की वैल्यू। अब इसके बाद हम आखिरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे z3 की। तो ये वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन थ्री में यानी कि जो हमने जेड के लिए इक्वेशन बनाया है उस इक्वेशन में हम यक्स की जगह पे यक्स थ्री की वैल्यू, वाई की जगह पे वाई थ्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम पहले सेंटेंस लिखेंगे, पुट यक्स इक्वल टू यक्स थ्री इक्वल टू 1.0003 कॉमा वाई इक्वल टू वाई थ्री इक्वल टू 1.0002 इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये दो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थ्री में तो हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू यानी कि जेड थ्री की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल टू 1/10 इंटू ब्रैकेट में 15 माइनस 2 इंटू यक्स की वैल्यू यानी कि 1.0003 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू यानी कि वाई थ्री की वैल्यू 1.0002 ब्रैकेट क्लोज। अब ये कैलकुलेशन अगर हम करें तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, इक्वल टू 0.9999। तो ये हो जाएगी जेड थ्री की वैल्यू। तो इस तरह से हमें यहाँ पे थर्ड इटरेशन परफॉर्म करना है और यक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने थर्ड इटरेशन परफॉर्म कर लिया है तो हम इसके बाद फाइनल आंसर लिखेंगे यानी कि यक्स वाई जेड के वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे लिखते समय इस तरह से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देयर फोर यक्स इक्वल टू, तो हमें थर्ड इटरेशन के बाद यक्स की वैल्यू यानी कि यक्स थ्री की वैल्यू क्या मिल रही है, इक्वल टू 1.0003। और इसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते समय क्या लिख सकते हैं, 1। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी 1। उसी तरह से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू यानी कि y3 की वैल्यू इक्वल टू 1.0002। अब इसे अगर हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिखें तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। उसी तरह से झेड की वैल्यू क्या मिलेगी, झेड इक्वल टू झेड थ्री इक्वल टू 0.9999। और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक्स वाई और झेड इन तीनों की वैल्यू क्या मिलेगी, 111 ही मिलेगी। तो इस तरह से हमें गॉस सीडल मेथड की सहायता से ये दिया गया सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले तो इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स आपको कंपलसरी मिल ही जाएंगे। तो ये था दोस्तों गॉस सीडल मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, रिमेनिंग एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये गॉस सीडल मेथड का क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि गॉस सीडल मेथड के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।